भागलपुर में एक प्रेमी ने जबरदस्ती प्रेमिका के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। मामला मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के भतोरिया गांव का है। घटना के बाबत पीड़िता ने बताया कि घर के सभी लोग डॉक्टर के यहां गए थे। घर में मैं अकेली थी। मौका देखकर मेरे साथ गांव के ही युवक ने गलत किया। पीड़ित युवती के रोने की आवाज सुन चाचा व आसपास से पड़ोस के लोग वहां पहुंच गए। फिर सुबह परिजन के आने के बाद पीड़ित युवती ने सारी बात बताई। परिजन सुबह मधुसूदनपुर थाना आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराने पहुंची, लेकिन वहां मामला दर्ज नहीं हुआ। वहां से महिला थाना भेज दिया गया, जहां पर आरोपी मिथुन कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। इधर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। भतोड़िया गांव के ग्रामीणों का कहना है कि दोनों में पहले प्रेम प्रसंग था। घर के सारे लोगों को इस बात की जानकारी थी, लेकिन घर के लोग इसलिए कुछ नहीं बोल रहे थे क्योंकि आरोपी मिथुन कुमार लड़की को 2 साल से शादी का झांसा दे रहा था। बताया यह भी जा रहा है कि शादी से इनकार कर मिथुन से दूरी बना ली थी, लेकिन मिथुन प्रेम में पागल था। इधर दोनों में कुछ दिनों से बातें नहीं हो रही थी, शायद इसी का खुन्नस निकालने को लेकर युवक लड़की को अकेला पाकर उसके घर में घुसा और लड़की के साथ हैवानियत से पेश आते हुए लड़की के साथ यौन शोषण किया। किसी को कानो कान भनक तक नहीं चली। जब इसकी माँ और लड़की ने हम लोगों को सारी बातें बताई तो पता चला, गाँव वालों ने कहा, लड़का ने पहले लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया, उसके बाद जब बात नहीं बनी तो जबरन उसके साथ यौन शोषण किया। पीड़िता की मां ने कहा कि मेरी तबीयत कुछ दिनों से खराब चल रही थी। मैं डॉक्टर के पास अपना इलाज कराने गई थी, इसी दरमियान मुझे आने में विलम्ब हुआ, मैं अपने मायके चली गई। इधर मेरी बेटी घर में अकेली थी। अकेला पाकर भदौरिया पूरब टोला का रहने वाला शंभू यादव का बेटा मिथुन कुमार मेरे घर में जबरन घुस गया और मेरी बेटी के साथ यौन शोषण किया। यह कहीं से सही नहीं है। मैंने अपनी बेटी के लिए कितने सपने संजोए थे, अब कौन करेगा मेरी बेटी से शादी। जल्द से जल्द आरोपी मिथुन कुमार को सजा मिलनी चाहिए। मैं नहीं चलिए रात में घर में मैं गल रही माँ डॉक्टर के यहाँ गलिए मैं डॉक्टर कन सा माँ कन चलो गलिए नहीं लिए रात में ये रात में जो मैं नहीं लिए घर तो ये सब रात में घटना केना कन ओले संगता पता लेके हमारा फोन कर लेके मम्मी हमारा घर घुसी गलो मिथुन कुमार शंभू यादव का बेटा 10:30 रात में जोर जबरदस्ती एक साथ बलात्कारी कर लगे। जब हम सब बोले लगे हमारा जयदा सब रात का एकदम दबाल तड़पी के एकदम भागी एक मुँह दाबी दिल्कि कसी के तुम बोले एकदम एकदम मुँह दाबला रखल के माला पकड़ी लेके माला पकड़ल के एक बाद कैलर बाद अपना चचा रहा पक्का पर छत चढ़ मिथुन कुमार कहाँ के रोज है? मिथुन कुमार भतोड़िया का पूरा टोला का उसका पापा का नाम शंभू यादव। भतोड़िया की रहने वाली पीड़िता ने कहा, मेरी माँ अपने इलाज के लिए डॉक्टर के पास गई थी, मैं घर में अकेली थी, तभी अचानक रात के 10:30 भदौड़िया पूरब टोला का रहने वाला शंभू यादव का बेटा मिथुन कुमार मेरे घर में घुसा और जबरन मेरा मुंह दबोच कर भद्दी भद्दी गालियां देने लगा और धमकी देते हुए कहा कि अगर शोर मचाया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और उसने मेरे साथ घंटों यौन शोषण किया। जब मैं शोर मचाने लगी तो वो सीढ़ी के रास्ते छत पर चढ़ा और वहां से कूद कर फरार हो गया। मैं उसके गले के माला को जकड़ कर पकड़ी थी पर वह जबरदस्ती छुड़ा कर भागा, लेकिन उसका गले का माला मेरे हाथ में रह गया। रोती बिलखती युवती ने कहा कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई है। मेरे साथ में मिथुन कुमार बलात्कार किया और मिथुन कुमार जैसे मेरे बोले तो मेरा मुँह चाप करके गेट नहीं खोले दिया, वो दीवार तड़प के भाग गया। कहाँ कहाँ मिथुन कुमार? भतोड़िया का है। कितने बजे? 10:30 रात में। घर में तुम अकेले? हम अकेले थे। मम्मी कहाँ गई थी? मम्मी नानी घर गई थी। डॉक्टर के यहाँ गए थे, वहाँ से फिर नानी घर गए। डॉक्टर के यहाँ गई थी, उधर से शाम हो गया तो नानी घर चली गई। पीड़िता युवती और उसकी मां ने आरोपी युवक मिथुन कुमार के खिलाफ केस दर्ज कराई है और जल्द से जल्द कठोर से कठोर सजा देने की मांग की है। सुनीता और उसकी मां ने कहा कि जब तक उसे न्याय नहीं मिल जाता वो चैन से नहीं बैठेगी।